अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें कैंपेन चलाया पिछले कई सालों से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ जो स्टेप्स लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। उसके बाद हम 15 पॉइंट एक्शन प्लान पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर ना केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं, 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पर हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, केवल बसों के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। और ये पॉलिसी देश ने, दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज जितने व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, नए व्हीकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में, उसमें 17% व्हीकल्स ई व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। और देखा गया कि अलग अलग शहरों के अंदर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो हरित क्षेत्र है उसमें कमी आती है, पेड़ों में कमी आती है। दिल्ली में उल्टा हो रहा है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे जो कि अब बढ़ के 23% हो गए हैं, कम होने की बजाय 3% बढ़ गए हैं। ये बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है। एक हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई थी। कई बार हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटने की अनुमति देनी पड़ती है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कई कई साल, कई कई 100 100 200 200 साल पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो बहुत गलत है। तो ट्री हमने ये कंपलसरी कर दिया कि उसे आपको काटना नहीं है, उसे आप जड़ों के साथ आप उसको निकालेंगे और कहीं और ले जाके उसको लगा देंगे। इसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट्स थे, उन दोनों को बंद कर दिया गया। तो आज दिल्ली देश का अकेला शहर है जहां पे कोई थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। डस्ट पोल्यूशन करने वालों के ऊपर खूब हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के जरिए उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 1727 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दिल्ली में। पहले ये पोल्यूटिंग फ्यूअल यूज करती थी, अब इन सबको पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर दिया गया है। पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे हमारी सरकार बनने के पहले, 7 7 8 8 घंटे के। लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते थे, उस जनरेटर से धुआं उठता था। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है जिसकी वजह से कोई धुआं नहीं उठता, कोई जनरेटर का इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, तो जो व्हीकल्स दिल्ली के लिए डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली में उनका काम नहीं है और पहले दिल्ली से केवल क्रॉस करके यूपी जाया करते थे या यूपी से, वो व्हीकल्स अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करते, जिससे पोल्यूशन में कमी आई है। अब हम आते हैं इस साल के विंटर एक्शन प्लान पे। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है। पहला पॉइंट है कि हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है, 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं
और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायो डिकम्पोजर पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था, इस साल 5000 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन्हें एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है उसके लिए 82 रोड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं, 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं, और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए PUC सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। जो कंजेस्टेड एरियाज है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहाँ पे व्हीकल खड़ा हो जाता है और व्हीकल खड़ा होकर वहाँ पे पोल्यूशन करता है, ऐसे 90 सड़कों की पहचान की गई है और वहाँ पे ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। उसको प्रचारित किया जाएगा कि आप इसको अवॉइड कीजिए, इस सड़क को आप यहाँ से निकल सकते हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। मैंने जैसे कहा कि 1727 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड जो कि अब PNG नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है 24 घंटे जिसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका बड़ा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रहा है। 3 साल पहले लॉन्च किया गया था, इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आईं जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हम दिल्ली के लोगों को अपील करेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ग्रीन दिल्ली ऐप है उसे जरूर डाउनलोड करें, और कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिल्ली में प्रदूषण करती हुई एक्टिविटी दिखाई दे उसको इस ऐप पे भेजें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी IIT दिल्ली और DPCC के साथ की जा रही है, और उसके लिए राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है। उसके जो डेटा है उसके साथ उसको इस्तेमाल करके हम जगह जगह एक फोकस्ड तरीके से एक्शन बना कर पाएंगे। पटाखों के ऊपर फिर से इस साल प्रतिबंध लगाया गया है, और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। इको वेस्ट के लिए ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ जमीन पे होलंबी कला में एक ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है, और उसमें गति तेज लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये सब कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है।